नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। आज 7 अक्टूबर है और अपने आप में बड़ा दिन था ये कुछ कंपनीज के लिए, स्पेशली डेल्टा कॉर्प जैसी कंपनीज के लिए। ये वही स्टॉक है जो रिसेंटली 2 महीने पहले 250 रुपए का हुआ करता था और आज इस शेयर को 150 इनफैक्ट 140 रुपए पे कोई खरीदने को तैयार नहीं है। रिसेंटली एस इन्वेस्टर आई थिंक विजय केडिया जी या फिर आशीष कचोलिया जी ने इसमें बिकवाली भी करी है, जिनके पास था ये स्टॉक। एग्जैक्टली मेरे को दोनों में से एक बंदा कोई किसी का नाम है जो मेरे को याद नहीं आ रहा, आई थिंक विजय केडिया जी का नाम था, जिन्होंने इस स्टॉक में अच्छी खासी बिकवाली करी है। अब इस कंपनी के लिए आज ये दिन बड़ा क्यों था, क्योंकि आज जीएसटी काउंसिल की मीटिंग थी जिसपे 28% का जो जीएसटी लगाया गया था अभी 11 जुलाई को जो जीएसटी काउंसिल की मीटिंग थी वहां पे गेमिंग एंड कैसीनो इंडस्ट्रीज पे आपका 28% का जीएसटी लगाया गया। आई थिंक जुलाई नहीं था, अगस्त था, 11 अगस्त को जीएसटी काउंसिल की मीटिंग थी जहां पे गेमिंग एंड कैसीनो इंडस्ट्री पे 28% का जीएसटी लगाया गया, जिसके बाद पूरी की पूरी इंडस्ट्री डेड लिस्ट में आ गई। 3 शेयर हैं इस इंडस्ट्री से, सबसे बड़ा नाम डेल्टा कॉर्प का है, नजारा टेक, ऑन मोबाइल ग्लोबल। नजारा टेक एंड ऑन मोबाइल ग्लोबल जो कंपनियां है ना, ये कंपनियां केवल गेमिंग में है। इन तीनों ही शेयर्स में बड़ी पिटाई पड़ी बाजार खुलने के बाद। डेल्टा तो 20% टूटा एंड आपका नजारा एंड ऑन मोबाइल लगभग 10% टूटा। बट नजारा और ऑन मोबाइल के मैनेजमेंट को ऐसा लगा कि हमारा शेयर बिना बात के टूट रहा है, और वो बिजनेस चैनल पे आते हैं एक एक करके दोनों इंटरव्यू देते हैं, जहां पे नजारा टेक के मैनेजमेंट ने कहा कि जो ये शेयर टूट रहा है आई थिंक लोगों को समझने में गलत हो रहा है, हमारा गेमिंग इंडस्ट्री में केवल 5% का रेवेन्यू है, उसमें से भी जो बेटिंग टाइप गेमिंग इंडस्ट्री है उसमें हमारा है ही नहीं, तो हमारा शेयर तो बिना बात के गिर रहा है। तो निवेशकों को समझ में आई वो चीज और शेयर सेम डे रिकवर कर गया, इनफैक्ट हरे निशान में बंद हुआ था। ऑन मोबाइल ग्लोबल का मैनेजमेंट भी सेम चीज कहता है कि हमारे टोटल इनकम का 7% रेवेन्यू आता है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इससे, उसका शेयर भी पूरा रिकवर होकर 2% हरे निशाने बंद होता है। बट डेल्टा कॉर्प करेक्शन में ही बंद होता है, लगभग 15 या 20% की गिरावट के साथ बंद हुआ, क्योंकि डेल्टा कॉर्प का कैसीनो इंडस्ट्रीज से 85% का रेवेन्यू है और रेस्ट ऑफ द 15% आता है गेमिंग से, यानी पूरा का पूरा 100% इनका गेमिंग एंड कैसीनो से आता है। उसके बाद तो गिरावट चली रही थी शेयर में, अभी 4-5 ट्रेडिंग सेशन पहले इनके पास एक नोटिस आ गया जीएसटी का कि 2017 से लेकर 2022 के बीच में आपका वैट जो है भरा नहीं है 16,000 करोड़ का, 16,800 करोड़ समथिंग, 15,800 करोड़ दिखाई दी। कंपनी ने कहां से दे, कंपनी के पास टोटल 5,000 करोड़ का मार्केट कैप है, 2,000 करोड़ कैश पड़ा है, कहां से दे दें भैया हम। तो शेयर का प्राइस बुरी तरीके से टूटता है और 200 वाला सीधे 140 पे आके खड़ा हो जाता है, 2 दिन सर्किट मारता है 20-20%। अब आज इतना बड़ा दिन क्यों था, तो ये जो 11 अगस्त को जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में 28% का जीएसटी लगाया गया था गेमिंग कैसीनो पे, उसको लेकर आज रिव्यू था। आज दोबारा जीएसटी काउंसिल की मीटिंग थी जहां पे रिव्यू था कि यार ये जो हमने लगा दिया है ये पूरी इंडस्ट्री खत्म तो नहीं हो जाएगी इससे। तो निर्मला सीतारमन जी जो कि फाइनेंस मिनिस्टर है भारत में, उन्होंने सब कुछ क्लियर कर दिया, उन्होंने कह दिया कि ये तो बहुत पहले से विचार था, इम्प्लीकेशंस अब लागू तो अब हो रहा है, 28% का जीएसटी ही लगेगा गेमिंग कैसीनोस पे, हॉर्स बैटिंग पे एंड एक दो नाम और। तो ये तो क्लियर हो गया कि निवेशकों को कोई राहत नहीं है, कंपनी को कोई राहत नहीं है, और साथ ही साथ वो ये भी कह रही है कि हमारा ऐसा कोई मोटिव नहीं है, इंडस्ट्री को खत्म करना चाहते हैं, बट डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये इंडस्ट्री खत्म करने वाली बात है। डेल्टा कॉर्प और आपका एग्जैक्टली देखा जाए तो केवल डेल्टा कॉपी, बाकी अनलिस्टेड प्लेयर में आप देख सकते हैं ड्रीम इलेवन हो गया, ये जो स्किल गेमिंग करके कंपनियां चल रही हैं इनकी भी बैंड बज चुकी है। तो पूरी तरीके से डेल्टा कॉर्प को लेकर मेरी एक ही राय है अब कि इस शेयर में बिल्कुल बॉटम फिशिंग ना करें, बॉटम फिशिंग इन द मीन एवरेजिंग। कभी कभार क्या होता है 300 वाला 150 मिल रहा है खरीद लो, ये विचार आता है ना, गलती से भी नहीं आना चाहिए। जो पैसा लगा हुआ है उसका क्या करें, वो लगा रहने दो, क्योंकि जीएसटी तो चलो झेल जाएगी कंपनी, लेकिन ये जो 15,800 करोड़ का टैक्स नोटिस है ना, इसको लेकर अगर कुछ पॉजिटिव आता है कंपनी के लिए कि ये मामला खारिज कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने और नहीं भरना है इन्हें, इस तरीके की अनाउंसमेंट आ रही है, तो शेयर रिबाउंड करेगा, अदरवाइज कंपनी खत्म, पूरी मतलब खत्म हो जाएगी। कंपनी के पास पैसा ही नहीं है, कहां से भरेगी इतना।
तो जिनके पास जितना पैसा लग गया है वो तो ऑलरेडी डूब गया है, आधा तो डूब गया है, अब जो बचा है उसमें बिकवाली करने के में फायदा नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं लगती सरकार ये चाहेगी यार कंपनी खत्म हो जाए। और डेल्टा कॉर्प एकमात्र कंपनी है इस मामले में, पूरे गोवा में अगर कोई इंजॉय करना चाह रहा है तो वो डेल्टन में ही करता है, ठीक है जी, तो वो कंपनी तो खत्म नहीं होने देगी सरकार, जो भी होगा जितना पैसा लग गया वो लगा रहने दो, बट फ्रेश बॉटम फिशिंग एवरेजिंग बिल्कुल मत करना। हो सकता है आगे चलकर मैं गलत पढ़ूं, आप यहां एवरेज करके पैसा बना लो, बट एज अ सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू, एज अ डिसिप्लिन, हमारा यही फर्ज है कि जो दिख रहा है उस पर फोकस करें। तो कोई राहत नहीं आई आज जीएसटी काउंसिल से, और इस कंपनी में एवरेजिंग की बिल्कुल राय नहीं है। ये मेरी तरफ से आपके लिए पूरी प्रॉपर वीडियो, होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।